सुभाष नंदन जी, कल ज्ञानवापी केस पर फैसला आ रहा है। आप उसके एक महत्वपूर्ण अंग और वकील दोनों रहे हैं, क्या कहेंगे कल के फैसले को लेकर? और आज एक कार्यक्रम होना था, कुछ सम्मान समारोह का कार्यक्रम था, वो टाल दिया गया। देखिए, सोमवार दिन ही बाबा विश्वनाथ का है, बाबा भोलेनाथ का दिन है सोमवार। सोमवार के ही दिन आदि विशेश्वर प्रकट हुए थे, उस वजू खाने से बाहर, या कहा जाए कि जल समाधि से बाहर आए थे। बाबा मिल गया का जो स्लोगन चला वो सोमवार को ही, कल फिर सोमवार है, सोमवार को ही फैसला आना है। ये सोमवार का दिन जो है, कल फैसला आएगा और भारत के लिए स्वर्णिम दिन होगा, 100 करोड़ हिंदुओं के लिए एक स्वर्णिम दिन होगा, उस सभ्यता संस्कृति के लिए स्वर्णिम दिन होगा जिसको ध्वस्त इस्लामिक आक्रांताओं ने ध्वस्त करने का प्रयास किया और पूरी तरह बर्बरता से नष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया। लेकिन बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है, वो सभ्यता, वो संस्कृति जो हजारों हजार साल से इस भारत की धरती पर रही है, चली आ रही, वो संस्कृति फिर जीवित होगी। एक मील का पत्थर ये फैसला होगा और इस फैसले से एक नज़ीर बनेगा, नज़ीर के तौर पे ये आगे बढ़ेगा कि जो ध्वस्त कर दिए गए सभ्यता, जो तमाम मंदिरों को ध्वस्त किया गया है, कन्वर्ट किया गया है मस्जिदों में, हो रहा था कि नहीं अब जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाइए, अब कोई भी मस्जिद टूट के मंदिर नहीं बनेगा, ये जो धारणा लोगों में बनी है, कल के फैसले के बाद ये धारणा ध्वस्त हो जाएगी और भारत के इतिहास का स्वर्णिम दिन होगा और हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा कि हम लोग उस सभ्यता की ओर पुनः जो आगे बढ़ेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। और 7 रूल 11 जो जिसके तहत इन्होंने दावा किया था कि ये जो है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बाधित कर रहा है, इसलिए इस दावे को खारिज कर दिया जाए। ये दावा, इनका प्रार्थना पत्र स्वयं कल माननीय जिला जज महोदय के आदेश से न्यायालय से खारिज होगा और हिंदुओं को, यानी हम लोगों को विजय मिलेगी और माँ सिंगार गौरी आदि विशेश्वर को पुनः हम लोग प्राप्त करेंगे, दर्शन पूजन का अधिकार प्राप्त होगा। इसके लिए मार्ग कल के आदेश जो है प्रशस्त करेगा।